चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक की घटना चक्र, जो पार्श्वांक की दृष्टि निकालता है ना, उसी को हम लोग देख रहे हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपीपीसीएस के लिए तो मेनता ये बुक्स लिखी ही जाती है, और भी यूपी के जो भी एग्जाम होते हैं, लेकिन इसमें जो करेंट अफेयर्स रहता है वो स्टेट पीसीएस, तो चाहे एमपीपीएससी हो, बिहार पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जहाँ करेंट अफेयर्स का महत्व रहता है, उन सभी एग्जाम के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर चुके हैं, आपका राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा खत्म कर चुके हैं, उसके बाद आपका विधिक परिदृश्य खत्म कर चुके हैं, फिर आपका अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब बात करनी है हमें आर्थिक परिदृश्य की, और याद रखिए जितनी भी आपकी क्लासें खत्म होती जा रही हैं वो सभी समसामयिकी घटनाचक्र वार्षिकांक के नाम से, जो आपकी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसी में डली हुई क्रम क्रम से, लास्ट में क्या करेंगे, ये पूरी क्लासों को मर्ज करके एक पूरी क्लास बना देंगे, तो जब तक आप लोग उन्हें देखते रहें। ठीक है, इसे आर्थिक परिदृश्य को हम लोग क्या करेंगे कि तीन भागों में बांट लेते हैं, राजकोषीय घटनाक्रम को हम लोग तीन भागों में, एक में हम केंद्रीय बजट देख लेंगे 2020-21। देखिए, केंद्रीय बजट का मतलब रहता है कि आने वाले समय के लिए खर्च, आप भी तो अपने परिवार का, जब भी आप किसी नौकरी कर रहे हैं कहीं, तो आप भी तो कहते हैं कि इस साल का इतना या महीने में वेतन आ गया, तो आप कह देते हैं इस महीने में इतना खर्च करना है, इतने में काम चलाना है, तो एक तरह से आने वाले समय के लिए बजट होता है। ठीक है, अगर आपसे कहें कि आर्थिक समीक्षा, तो आप आते में आर्थिक समीक्षा करते हैं ना महीने के अंत में या साल के अंत में कर लेते हैं कि इस साल आपने कितना पैसा खर्च किया है, तो वो पिछले साल का होता है, जैसे केंद्रीय बजट होगा 2020-21 के लिए, और जो आपकी आर्थिक समीक्षा होगी वो 19-20 की होगी, कब की, 19-20 की। तो एक क्लास में हम लोग 19-20 की जो आर्थिक समीक्षा है उसे देख लेंगे, और एक क्लास में आपका सेपरेट उत्तर प्रदेश बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो भी है उसे देख लेंगे। ठीक है, तीन क्लासों में हम लोग इसे कवर कर लेंगे, क्योंकि आपका, इसलिए बोल रहा हूँ कि केंद्रीय बजट जरूरी है, हर परीक्षाओं में इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राजकोषीय जो भी आर्थिक समीक्षा है इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग उत्तर प्रदेश के नहीं होंगे, तो आपको उत्तर प्रदेश से कोई मतलब भी नहीं होगा जाना, तो इसलिए आप लोग अलग से पढ़ते रहे। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं केंद्रीय बजट को देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21, वैसे आपका जब इकोनॉमी पढ़ी थी हम लोगों ने, और वैसे भी एनसीईआरटी पढ़ी है आपकी, तो उसमें बता दिया था सब कुछ, आर्थिक बजट क्या होता है, केंद्रीय बजट क्या होता है, इसका आप देखेंगे संविधान में क्या उल्लेख है। तो याद रखिए, बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेता है, वित्तीय विवरण आपका बजट में शब्द यूज किया, उसमें संविधान में यूज किया गया है। ठीक है, वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कुल 30.42 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। टोटल कितना, 30.42 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, अर्थात वर्ष 2020-21 में कुल 30.32 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति और उतनी ही राशि के व्यय का अनुमान है, यानी कि हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमारे नंबर इतने आ जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये अलग बात है। ठीक है, कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 66.43% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 33.57% पूंजीगत प्राप्तियों का है। तो राजस्व प्राप्ति आप देख रहे हैं कितना, 66.43%, और इसमें पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें 33.57%। अब आप कहेंगे राजस्व प्राप्तियां को क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, इसके लिए एनसीईआरटी वाली क्लास आप लोग देखें, और या फिर आप लोग इकोनॉमी की बुक्स कवर की हुई थी किरण सामान्य ज्ञान की, उसमें बताया है। देखिए, यहाँ इतना समय नहीं है मुझे लगता है कि पूंजीगत प्राप्तियां बताया जाए, राजस्व प्राप्तियां बताया जाए, और अगर लगता है मुझे कि इतना अगर आपको मालूम नहीं है तो आपकी स्थिति मुझे लगता है कि खराब है, क्योंकि ये वो टर्म है, यानी कि वो सरल शब्द हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। सीधा सा याद रखिए कि राजस्व प्राप्तियां अगर अधिक होती हैं तो हमारे देश के लिए एक तरह से अच्छी बात है, और पूंजीगत प्राप्तियां अगर बढ़ती हैं तो एक तरह से नुकसानदायक है। इस तरह कुल व्यय में 86.45% राजस्व खाते पर, जबकि मात्र 13.55% पूंजी खाते पर व्यय करने का
अनुमान है। लेकिन देखिए सरकार ने ये कहा है, लेकिन आपने देखा है कि अभी पूंजीकरण, आपने देखा है कि निजीकरण किया जा रहा है बैंकों का देख लीजिए, फिर चाहे रेलवे का देख लीजिए, फिर कई क्षेत्रों का। तो इससे क्या होगा, पूंजीगत प्राप्तियां प्राप्त हो रही हैं, राजस्व की तो कमी होगी ना। 2020-21 हेतु प्रस्तुत बजट में 6.09 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% है, 2.7% है। और एक बात और याद रखिए आप लोग, कि कोरोना महामारी ने पूरी व्यवस्था पलट दी है, आपने अर्थव्यवस्था देख ली है कितनी बुरी तरह से चरमरा चुकी है, तो आने वाले समय में मालूम चलेगा कि क्या इसका। लेकिन ये बजट है इसलिए क्वेश्चन आते हैं। 2020-21 के बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है। याद रखिए राजस्व घाटा की बात कर रहा हूं, जो पूर्व वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 95,000 करोड़ रुपए अधिक है। 2020-21 के बजट में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए यानी कि 7.96 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। क्या है? राजकोषीय घाटा है, ये राजस्व घाटा था, ठीक है, राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो इस वर्ष की अनुमानित जीडीपी का 3.5% है। राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया जा रहा है, 3.5% जीडीपी का। 2020-21 के हेतु अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा विगत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 29.5 हजार करोड़ रुपए अधिक है। 2020-21 में करों से कुल 24.23 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। इसमें से लगभग आप देखेंगे 54.44% प्रत्यक्ष करों से, और जबकि शेष 45.56% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने का अनुमान है। ठीक है, यदि सकल घरेलू को कर को करों को देश के सकल घरेलू उत्पाद के 50% के रूप में देखें तो यह 2020-21 के लिए 10.77% रहेगा, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानित 10.58% से अधिक होगा। इस तरह वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5.9% जबकि अप्रत्यक्ष कर जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। जहां तक करों के योगदान का प्रश्न है तो कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि 6.91 लाख करोड़ का है, यानी कि जीएसटी। इसके बाद निगम कर 6.81 लाख करोड़ रुपए व आयकर 6.38 करोड़ रुपए शेष हिस्सेदारी रखते हैं। 2020-21 के लिए नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी। कोई भी व्यक्ति जिसे आयकर कानून के अंतर्गत इस समय अधिक कटौतियों और छूट मिल रही है, वह इनका लाभ उठाने के लिए पुरानी व्यवस्था के अनुसार कर भुगतान जारी रख सकता है। अब देखिए यह है व्यय और यह प्राप्ति, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका साल में इतना व्यय होता है और ये प्राप्ति होती है। ठीक है, आप सीधा सा बजट को कभी आपको समझना है, आर्थिक स्थिति आर्थिक समीक्षा को समझना है, इस तरह के शब्दों को समझना है, तो उसकी जगह अपने आप को रख लिया करिएगा, अपने परिवार को रख लिया करिएगा। इससे क्या होता है, आप अपने परिवार का भी तो बजट हो सकता है। तो बजट 2020-21 ये व्यय हो गए मतलब खर्च हो गया, और बजट 2020-21 के प्राप्तियां हो गई। तो इसमें आप देखेंगे पहले हम लोग व्यय बात कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे ब्याज अदायगी 18%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20%। सबसे ज्यादा आपका राज्यों का हिस्सा करों और शुल्कों में 20% है। उसके बाद आप देखेंगे ब्याज अदायगी दूसरे नंबर पर 18, फिर आप देखेंगे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 13%, बड़ी बात है, तीसरे नंबर पर। खर्च कहाँ किया जाएगा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर। फिर आप देखेंगे वित्त आयोग और अन्य अंतरण ये 10%, फिर आप देखेंगे अन्य व्यय 10%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाएं होती है 9%, रक्षा क्षेत्र में 8%, सब्सिडियां यानी कि सब्सिडी मिलती है ना 6%, पेंशन 6%। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। क्या पूछ लेगा कि रक्षा क्षेत्र पर कितना प्रतिशत इस बार व्यय करने का अनुमान रखा गया है, तो याद रखिए 8% कि 8% खर्च किया जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछिए सब्सिडियों में तो 6% और पेंशन 6%, और इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बात करें 9%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की 13%।
देखिए इसमें बढ़ते घटते रहते हैं। सब्सिडी की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि सरकार हटाने के चक्कर में भी ऐसे समझ रहे हैं। अभी जो एमएसपी एक तरह से इसी तरह का मुद्दा है। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों की बात करें तो यहाँ 6% आपको ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, उधार और अन्य देताएं 20%, निगम कर 18%, आयकर 17%, सीमा शुल्क 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, वस्तु एवं सेवा कर ये आपको 18%, कर भिन्न राजस्व 10%। तो उधार और अन्य देताएं इसमें 20% सबसे ज्यादा है। फिर निगम कर देख लीजिए, वस्तु एवं सेवा कर देख लीजिए, बाकी आयकर 17, ठीक है। कुल व्यय में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है। कुल प्राप्तियों से करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है। आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है, ठीक है, इन्हें भी याद रख सकते हैं। बजटीय विवरण 2020-21 की बात करें अगर हम लोग, कुल प्राप्तियां कितनी, 30,42,230 करोड़ रुपये। कितना, 30,42,300, माफ करिए 230, ठीक है, 30,42,230। कुल व्यय 30,42,230 करोड़ रुपये। यानी कि इन्होंने अभी तो अनुमान लगाया है, व्यय ज्यादा भी हो सकता है, प्राप्तियां कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर बार यही देखा गया है कि खर्च से सबसे खर्च मतलब जितना होता है उससे प्राप्तियां कम ही होती हैं, ठीक है, इसलिए तो घाटा रहता है। तो अभी तो अनुमान लगाना, अनुमान तो आप भी लगा लेते हैं कि 10,000 में महीने खत्म, 10,000 रुपये में हमारा महीना निपट जाएगा, खर्च चल जाएगा, लेकिन आप देखते हैं कि ज्यादा हो जाता है खर्च या फिर कम हो जाता है, तो आने वाला वक्त ही बताता है ना। तो ये तो आने वाले वक्त में मालूम चलेगा, जो भी आर्थिक समीक्षा आएगी अगले साल उसमें मालूम चलेगा। इसमें अगर हम राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 66.43% आपकी राजस्व प्राप्तियां हैं, और अगर राजस्व प्राप्तियों में बात करें तो कर राजस्व आपका 80.95%। कितना, 80.95%। कर भिन्न राजस्व की बात करें तो 19.05%। वहीं अगर हम लोग पूंजी प्राप्तियों की बात करें तो 33.57%। इसमें उधार एवं अन्य देताएं आपकी 77.97%। अन्य प्राप्तियों की बात करें तो 20.56%। ऋणों की वसूली की बात करें तो 1.47% है, ठीक है। वहीं अगर हम खर्च की बात करें तो राजस्व खाते पर व्यय आपका 86.45%, पूंजी खाते पर व्यय 13.55%, ठीक है। ब्याज की भुगतान की बात करें तो 26.93%। पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान की बात करें तो 7.85%, और अन्य 65.22%, ठीक है। नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में निम्नलिखित कर ढांचे का प्रस्ताव रखा गया है। कहने का मतलब है कि अगर आप आयकर के दायरे में आते हैं आपको कितना देना पड़ेगा, कितना प्रतिशत, ठीक है। तो यही है नई व्यवस्था, क्या है इसमें, कर योग्य आय का स्लैब रुपये में, ठीक है। आयकर की वर्तमान दरें और नई कर दरें क्या है इन्हें भी देख लीजिए। अगर आपकी 0 से 2 लाख, 2-2.5 लाख तक, यानी कि आप साल में 2.5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई कर नहीं देना होगा, छूट मिली हुई है, ठीक है। आप देखेंगे अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख कमाते हैं तो 5% आपको कितना, 5% कर देना होगा, नई करें दरें भी यही है। अगर आप 5 से 7.5 लाख तक कमाते हैं तो पिछली बार 20% देना पड़ता था इस पर, लेकिन इस बार 10% देना पड़ेगा, यानी कि आपको सहूलियत हुई है। अगर आपकी आय 10 लाख तक है, 7.5 से 10 लाख तक, तो इस पर 20% पिछली बार देते थे लेकिन इस बार 15%, यानी कि काफी आपको सहूलियत हुई सरकार ने दी। 10.5 माफ करिए 10 लाख से 12,50,000 तक आपको पिछली बार 30% देना पड़ता था लेकिन इस बार 20% देना होगा। 12.5 से 15 लाख के बीच आपको 30% देना पड़ता था लेकिन इस बार आपको 25% देना पड़ेगा। 15 लाख से ऊपर की बात करें तो 30% पिछली बार था और 30% इस बार ही, ठीक है। तो ये नई करें हैं, पूछ लेता है कई बार आपका, ठीक है। बजट 2020-21 में कुल कुल 2,62,108.76 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रस्तावित है, यानी कि आप देखते हैं ना सिलेंडर पर सब्सिडी मिल गई, कई क्षेत्रों में आपको सब्सिडी मिलती है, जो सकल व्यय का लगभग 8.75
ब्यास 8.62% है। यह वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 0.55% कम है। मैंने बताया ना कि आपको कि सरकार क्या चाह रही है कि सब्सिडी को कम ही किया जाए, खत्म ही किया जाए एक तरह से। ठीक है, भारत में कुल सब्सिडी का लगभग 44.1% अकेले खाद्य मद में व्यय होता है। खाद्य इस तरह की सिस्टम पर मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद यूरिया सब्सिडी 18.24%। आप जानते हैं यूरिया जो खेतों में किसान यूज करते हैं। एलपीजी सब्सिडी में 14.21%। आप जानते हैं सिलेंडर की बात करूं। पोषक आधारित सब्सिडी की बात करें तो 18.97%। वो किसानों के लघु अवधि ऋणों के ब्याज दर की दी जाने वाली सब्सिडी की बात करें तो 8.08%। अधिकतम हिस्सेदारी वाली मदें हैं, इन्हें एक तरह से ध्यान रख सकते हैं। सकल बजटीय व्यय अनुमान 2020-21 में ब्याज अदायगी का हिस्सा 18% है। कितना? 18%। यह पिछले वर्ष 2019-20 और 18-19 में भी सकल व्यय का 18% ही अनुमानित था। 2020-21 में करों शुल्कों में से राज्यों के हिस्से का 20% के बाद सकल व्यय में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान की अनुमानित है। यानी कि सबसे ज्यादा व्यय की बात करें तो आप देखेंगे राज्यों का हिस्सा है और दूसरे नंबर पर आपका ब्याज की भुगतान है 18%। 2019-20 एवं 2018-19 में भी ब्याज भुगतान दूसरे सर्वाधिक बड़ा व्यय था। तो आपसे पूछे पहले नंबर पर कौन है, तो राज्यों का हिस्सा, ठीक है, करों और शुल्कों में, और दूसरे नंबर पर आपका ब्याज भुगतान। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ खर्च किया जाएगा। ब्याज भुगतान की विशालता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में से जीडीपी का लगभग 3.15% अनुमानित किया गया था और बजट 2020-21 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, आने वाले समय में। फिर मदों पर व्यय की बात करेंगे हम लोग तो करोड़ रुपए में, ठीक है, एक करोड़ रुपए में, याद रखिए। ब्याज की बात करें, ये संशोधित अनुमान है और बजट अनुमान है, ये 2019-20 के हैं, 2021-21 के हैं। ठीक है, तो इसमें संशोधित अनुमान है आपके, पहले आप देखिए कि पहले अनुमान लगाया जाता है फिर संशोधन किया जाता है। तो 2019-20 का जो बजट रहा होगा उसमें अनुमान पहले लगाया गया होगा लेकिन फिर संशोधित करके उन्हें किया गया होगा। तो ब्याज पर 62,000, माफ करिए, 6,25,105 है, 6,25,105 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम 2020-21 की बात करें तो इसमें 7,08,203 रुपये है, करोड़ रुपए में। ठीक है, रक्षा की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 3,16,296 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर अभी की बात करें बजट की, इसमें व्यय कितना अनुमान लगाया गया, 3,23,053 करोड़ रुपए। ठीक है, कुल सब्सिडी जिसमें आप देखेंगे एक कुल हो गई आपकी कितना, 2,63,557.33, ये संशोधित अनुमान है 2019-20 का। और अभी बजट की बात करें तो ये है 2,62,108.76 करोड़ रुपए। इसमें आप खाद्य सब्सिडी का हिस्सा देख सकते हैं 1,08,688 करोड़ रुपए, और अभी अनुमान, अभी जो बजट हुआ है पेश, इसमें बात करें तो 1,15,570 करोड़ रुपए। और उर्वरक सब्सिडी की बात करें तो पिछली बार 79,998 करोड़ रुपए और इस बार 71,309 करोड़ रुपए। ठीक है, पेट्रोलियम सब्सिडी की बात करें तो 38,569 करोड़ रुपए और इस बार बजट की बात करें तो आपके 40,915 करोड़ रुपए। ब्याज सब्सिडी की बात करें तो 25,946 करोड़ रुपए और अभी बजट की बात करें तो 28,179 करोड़ रुपए। अन्य सब्सिडी की बात करें तो 10,356 और इस बार इसमें कम रखा गया है, कितना, 6,136, माफ करिएगा। पेंशन की बात करें अगर हम लोग तो इसमें खर्च की बात, पिछली बार जो अनुमानित थी संशोधन किया गया था 2019-20 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखेंगे 1,84,147 करोड़ रुपए और इस बार की बात करें तो 2,10,682 करोड़ रुपए। राज्यों का अंतरण, राज्यों के हिस्से की बात करें तो 1,55,447 करोड़ रुपए, इस बार 2,4,05
47 करोड़ रुपए। परिवहन की बात करें तो 1,58,207 करोड़ रुपए, और इसमें देखेंगे आप लोग 1,69,637 करोड़ रुपए इस बार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र की बात करें तो 1,20,835 करोड़ रुपए, और इस बार की बात अगर हम करें तो 1,54,775 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास की बात करें तो 1,43,409 करोड़ रुपए, और इस बार की बात अगर हम करें तो 1,44,817 करोड़ रुपए। शिक्षा की बात करें जो सबसे जरूरी है, तो इस बार इसमें पिछली बार कितना था 2019-20 में अनुमान संशोधित अनुमान, इसमें 9,94,885 करोड़ रुपए, इस बार आपका 99,312 करोड़ रुपए, यानी कि बड़ा है। स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें 63,830 और इस बार का 67,484। सामाजिक कल्याण की बात करें तो 48,210 और इस बार अनुमान कितना है जीडीपी में, यानी कि 2020-21 की जो बजट है इसमें 53,876 करोड़ रुपए। इन्हें पढ़ लीजिए, देखिए याद रख पाना मुश्किल है मुझे लगता है सबको, तो क्या करिए एक थोड़ा अंदाज लगा लीजिए। और शिक्षा क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, सामाजिक कल्याण हो गया, पेंशन हो गया, परिवहन हो गया, कृषि और समृद्ध क्षेत्र जो भी चर्चा में रहे आपके पेपर के आसपास उस साल में, तो आप उन पर थोड़ा जोर जरूर दे लिया करिए, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछ लेता है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है। वर्ष 2020-21 हेतु बजट प्रस्तुत बजट का उद्देश्य वित्तीय राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, आपदा लोच के माध्यम से जोखिम को कम करना है, पेंशन व बीमा प्रवेश के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना है। बजट के तीन प्रमुख घटक विषय जिन्हें ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है कौन कौन से है। आकांक्षी भारत, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों ताकि उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके। सभी के लिए आर्थिक विकास, तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और जिम्मेदार समाज, ऐसा समाज जो मानवीय तथा साहदय हो और आस्था का आधार अंत्योदय हो। तो ये तीन मैं स्तंभ है, तो आप लोगों तो आपको तीनों याद रखना है, क्योंकि पूछ लेगा कि बजट के तीन प्रमुख घटक विषय कौन से थे जिन्हें ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया था। तो आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज, इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस में जरूर पूछ लिए जाते हैं। आगे आपका आकांक्षी भारत के तहत कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पहला मद है, और बजट अनुमान 2020-21 में कृषि, सिंचाई और समृद्ध कार्यों तथा ग्रामीण विकास पर लगभग 2.83 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। कितना? 2.83 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण का लक्ष्य रखते हुए पीएम किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को केसीसी योजना के अंतर्गत शामिल किया जाने का लक्ष्य है। कितने? 15 लाख के करीब। वर्ष 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 मिलियन मेट्रिक टन से दोगुना करके 108 मिलियन मेट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। मवेशियों में होने वाली बीमारी ब्रुसेलोसिस तथा भेड़ व बकरियों में होने वाली पेस्टिटस रुमिनेंट्स पीपीआर नामक बीमारी को वर्ष 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसे जरूर याद रखिए, ठीक है। इन दोनों बीमारियों को 2025 तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नीली अर्थव्यवस्था के तहत 2025 से 24-25 तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए करने और वर्ष 2023 देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पता नहीं कहां से आजकल दिमाग में निकल जाता है शब्द बड़े। नीली अर्थव्यवस्था के तहत कितना? 2024-25 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। आरोग्य, जल एवं स्वच्छता आकांक्षी भारत के तहत दूसरा मत है। बजट में समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए
69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना? 6,000। कितना? 69,000, माफ करिएगा, 69,000, जिसमें से आप देखेंगे 6,400 करोड़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु है इसमें, ठीक है। वर्ष 2025 तक तपेदिक यानी टीबी को समाप्त करने हेतु टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान भी शुरू किया गया है। तो याद रखिए, इसका लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। खुले में शौच मुक्त का दर्जा बरकरार रखने हेतु स्वच्छ भारत मिशन हेतु वर्ष 2020-21 में कुल 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन के कुल 3.60 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 2020-21 के लिए 15,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकांक्षी भारत के तहत तीसरी और अंतिम मद शिक्षा और कौशल का 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र में कुल 9,000 कितना 99,300 करोड़ रुपए और कौशल विकास हेतु 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। माफ करिएगा, पता नहीं क्यों आज शब्द बड़े गलत गलत निकल रहे हैं, गलती से बोल दे रहा हूँ, इसलिए अगर कहीं बोल देता हूँ और निकल जाता हूँ तो आप सुधारने के लिए पीछे है ना, हो सकता है इसी को ध्यान में रखते हुए निकल रहे हो कि आप लोग भी पीछे जुड़े हुए हो। तो शिक्षा पर कितनी बात की जा रही है? शिक्षा क्षेत्र में 99,300 करोड़ रुपए और कौशल विकास हेतु इसमें आप देखेंगे 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर फॉरेंसिक आदि क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। 1480 यानी कि 1,480 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ 4 वर्षों यानी कि 2020-21 से 2023-24 की कार्यान्वयन अवधि वाला एक राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। 5 पुरातात्विक स्थलों राखी गढ़ी के हरियाणा में, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिव सागर असम, धौलावीरा गुजरात और अदी चनलूर लूर ये तमिलनाडु को स्थानिक संग्रहालय से प्रतिमान स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इन स्थलों को भी याद रखना, राखी गढ़ी हरियाणा का, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का, शिव सागर असम का, धौलावीरा गुजरात का, अदी चनलूर ये आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। इससे क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। सरकार ने 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंकों का की गठन करने को मंजूरी दी है। वर्तमान में 25 करोड़ तक का कुल कारोबार करने वाले 5 स्टार्टअप को 7 वर्षों में से लगातार 3 निर्धारण वर्षों के लिए अपने लाभ पर 100% कटौती की अनुमति है, बशर्ते कुल कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। वित्त मंत्री ने यह सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव भी किया है। उन्होंने कटौती के दावों की पात्रता अवधि को मौजूदा 7 वर्षों से बढ़ाकर 10 साल यानी कि 10 वर्ष करने का भी प्रस्ताव रखा है। जिम्मेदार समाज के मूल विषय पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपए और महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण हेतु 85,000 करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव रखा है। कॉरपोरेट बॉन्डों में एपीआई की सीमा को 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। ओबीसी अनुसूचित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, इस तरह के जो मेन तथ्य हैं इन्हें भी याद रखा करिएगा। यहाँ कुछ आपके प्रमुख तथ्य हैं उन्हें भी याद रख लीजिए। शायद गलती से मुझे से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है, मुझे लगता है कि दिमाग जोर दे रहा है, इस समय कुछ चला भी नहीं सकते हैं आपकी वजह से, एक तरह से आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि आवाज आने लगेगी अगर कुछ चलाऊंगा तो। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण चल लक्ष्य रूलिंग टारगेट्स, ये आपके राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, सकल कर राजस्व, कर विभिन्न भिन्न राजस्व, ये सभी हैं। ये संशोधित अनुमान 2019-20 के हैं, ये बजट अनुमान 2020-21 के हैं, ठीक है। अनुमान 2021-22 के लिए है, 2023-20-22-23 के लिए है, ठीक है। आपके लिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है अभी फिलहाल में, आगे की आप लोग याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं। राजकोषीय घाटा की बात करते हैं हम लोग, तो संशोधित अनुमान 2019-20 की बात करें तो 3.8 रहा और बजट अनुमान की बात करें तो 3.5 रखा गया है,
यानी कि 3.5 हिंदी में बोल लेता हूं। 2019-20 में ये संशोधित अनुमान कितना था? 3.8, और बजट में कितना था? 3.5 प्रतिशत में है, ठीक है। अगर हम 2021-22 के लिए बात करें तो 3.3, और 22-23 के लिए 3.1। देखिए ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, कोई मतलब नहीं कह सकते हैं यहाँ, क्लियर अनुमान लगाए गए हैं। राजस्व घाटा की बात करें तो संशोधित अनुमान 2019-20 के कितना रहा है? 2.4 यानी कि 2.4। बजट अनुमान की बात करें 2021 के लिए तो 2.7, और 21-22 के लिए 2.3, और 22-23 के लिए 1.9। सरकार हमेशा यही कहती है, आप भी तो यही कहते हैं, हम भी यही कहते होंगे कि हमारे पेपर में इतने नंबर आ जाएंगे, आप घर वालों से बोलेंगे कि इतने नंबर आ जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाते हैं उतने, तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार ऐसा ही लक्ष्य रखती है कि उसे लगता है हम कर लेंगे, लेकिन आज तक आप देखिए, गरीबी हटाने की बात कर लीजिए आप लोग, 1947 से जब हम आजाद हुए तब से नारा देते आ रहे हैं, आज तक गरीबी का तो पता नहीं लेकिन देश बर्बाद होने का पता है। तो ये चलता रहता है, नेताओं की बात मत सुना करिएगा, बस बजट इसलिए आपके लिए जरूरी है, इसलिए पढ़ना पड़ता है। प्राथमिक घाटे की बात करें तो 2019-20 में संशोधित रहा है 0.7, और बजट अनुमान में 2020-21 के लिए 0.4, और 21-22 के लिए बात करें तो 0.2, और 22-23 के लिए 0.0। आप समझिए, जीरो पर पहुंचाने की बात की जा रही है। सकल कर राजस्व, ये आप देखेंगे संशोधित अनुमान 19-20 में 10.6, और 20-21 के लिए ये बजट अनुमान 10.8, और 21-22 के लिए 10.7, और ये आपका 22-23 के लिए 10.7। और इस बार बढ़ने की सब कुछ चांस है, क्योंकि आप देखेंगे राजकोषीय घाटा बढ़ने के चांस है, राजस्व घाटा हो फिर चाहे कोई भी घाटा हो, क्योंकि आपने देखा है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस ने बहुत बुरी तरह से मार किया, और आपने देखा है ना कि वित्त मंत्री को एक हमारे को क्या मिला है, एक तरह से बहाना मिल गया है, उन्होंने कह दिया कि भगवान की इच्छा थी, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। तो ये भी देख सकते हैं। कर भिन्न राजस्व की बात करें तो 1.7, ये संशोधित अनुमान की बात कर रहा हूँ 2019-20 की, और बजट अनुमान की बात करें 1.7, 2021 के लिए, 21-22 के लिए 1.5, और 22-23 के लिए 1.5। केंद्रीय सरकार का ऋण की बात करें तो संशोधित अनुमान रहा है 50.3, ये आपका कब का? 19-20 का। बजट की बात करें 2021 के लिए तो 50.1, और 21-22 की तो ये 48.1, सॉरी 48.0, और 22-23 के लिए 45.5। जिसमें से ईवीआर के कारण देयताएं की बात करें तो 19-20 में संशोधित अनुमान 0.7, बजट अनुमान 0.8, और 21-22 में बात करूं तो 0.9, और 22-23 में 0.9, ठीक है। तो इन्हें याद रखिए, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके अधिकतर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बजट परिव्यय की बात कर लेते हैं। ये आपका बजट अनुमान था 2019-20 में, ये संशोधन अनुमान था, और ये आपका 21-20 में बजट अनुमान है। देखिए आप जैसे आपने कह दिया कि मैंने बताया ना कि बजट अनुमान पहले लगा लेते हैं आप लोग, फिर आप संशोधन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उतना नहीं हो पाता है, उसके रियल आंकड़े कुछ और रहते हैं। तो यही है, देखिए ठीक है। महत्वाकांक्षी भारत की बात करें तो इसमें बजट अनुमान 2019-20 में रखा गया था आपका कितना? 4,67,517 करोड़ रुपए में, ये सभी करोड़ में, ठीक है। और लेकिन संशोधित आंकड़े 2019-20 की बात करें तो कितना रहा? 43 माफ करिए 4,36,913 करोड़ रुपए। और आप देखें अगर 2021 के लिए बात करें बजट में तो 4,82,401 करोड़ रुपए रहा है। इसमें आप कृषि एवं समृद्ध एवं सिंचाई एवं ग्रामीण विकास की बात कर सकते हैं, 2,76,380 बजट में रहा था 2019-20 में, और संशोधन में देखेंगे संशोधित आंकड़े अनुमान 2019-20 में तो 2,49,910 करोड़ रुपए, और अभी बजट की बात करें 2021-22 की तो 2,83,202 करोड़ रुपए। आरोग्यता जल स्वच्छता की बात करें तो आप देखेंगे कि बजट 2019-20 में रहा था 93,294 करोड़ रुपए, ये संशोधित जो अनुमान रहे 2019-20 के तो ये 89,618 करोड़ रुपए, और अभी जो नया बजट आया हुआ है 2020-21 के लिए तो 96,885 करोड़ रुपए इसमें रखा गया है। शिक्षा एवं कौशल विकास की बात करें तो
पिछली बार बजट में आप देखेंगे 2019-20 में 97,843 करोड़ रुपए, और संशोधित आंकड़ों की बात करें तो 97,385 करोड़ रुपए रहा था, और अभी की बात करें तो 1 लाख कितना, 1,02,314 करोड़ रुपए 2021 के लिए रखा गया है। पर आर्थिक विकास की बात करें हम लोग तो ये 2019-20 में जो बजट था उसमें कितना था, 2,23,695 करोड़ रुपए। संशोधित अनुमान जो रहा 2019 का 19-20 का तो 2,24,941 करोड़ रुपए, और बजट में अभी के 2020-21 की बात करें तो दो कितना है, 2,37,604 करोड़ रुपए। तो इसमें आप मुझे लगता है कि आर्थिक विकास इस तरह से पूछे जाएंगे डायरेक्ट, ऊर्जा इस तरह से कमी पूछेंगे। तो फिर भी देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, देखना हमारी आपको देखना है ही तो देख लेते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य तो इसमें आप देखेंगे कितना रहा, 27,043, ये बजट 2019-20 का है। फिर संशोधित की बात करें 2019-20 में तो 28,608 करोड़ रुपए, और अभी जो 2020-21 का बजट है इसमें 27,227 करोड़ रुपए ठीक है रखा गया है। परिवहन अवसंरचना की बात करें तो 15 इसमें देखेंगे 1,57,437 करोड़ रुपए, लेकिन जो संशोधन आया था 2019-20 का तो उसमें 1,58,207 करोड़ रुपए। अभी की बात करें 2021 की तो इसमें देखेंगे 1,69,637 करोड़ रुपए है। ऊर्जा की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 19-20 में बजट था इसमें अनुमानित कितना था, 39,215 करोड़ रुपए, और संशोधित आंकड़े कितने रहे थे 19-20 में, 38,127 करोड़ रुपए, और अभी बजट 21-22-2021 के लिए बात करें तो 40,740 करोड़ रखा गया है। नई अर्थव्यवस्था की बात करेंगे हम लोग तो इसमें आपने देखा है कि 2020-19-20 में 40,534 करोड़ रुपए, संशोधित अनुमान कितना रहा था 19-20 का तो 34,724 करोड़ रुपए, और अभी 2020-21 के बजट के लिए 42,852 करोड़ रुपए। सूचना और प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करें इसमें तो इन्हीं में है, ये सभी मिलाकर इन्हीं की बात कर रहा हूं ठीक है। तो इसमें अलग अलग भाग भी होते हैं ना, तो इसमें 2019-20 में बजट रहा था 19,127 करोड़ रुपए, फिर अनुमानित जो संशोधित रहा था 2019-20 का तो 18,979 करोड़ रुपए, अभी बजट 2021 की बात करें तो 20,379 करोड़ रुपए। संचार यानी कि भारत नेट, आप बात कर रहे हैं कि गांव में गांव नेट पहुंचाएंगे इंटरनेट, तो इसमें आप देखेंगे कितना 2019 में 19-20 बजट में कितना 8,350 करोड़ रुपए, लेकिन जो संशोधित रहे आंकड़े उसमें देखेंगे 3,000 करोड़ रुपए, और अभी कितना रखा गया है 8,000 करोड़ रुपए ठीक है 2021 के लिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आज देखिए यही नई व्यवस्थाएं हैं। आप सोचिए कि अगर आप इन क्षेत्रों में मुझे लगते हैं जागरूक नहीं है तो आप बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में आप गरीब हैं, आप किस समाज से हैं, किस जगह से हैं, ये मायने नहीं रखेगा। आप शिक्षा में किस तरह के क्या स्तर है आपका, आप लोग तकनीक से किस तरह से जुड़े हुए हैं, अगर इन क्षेत्रों में आप लोग पिछड़े होंगे तभी आप पिछड़े कहलाएंगे या गरीब कहलाएंगे। तो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिएगा ठीक है, अपने परिवार आसपास जिन्हें भी। विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें 13,056 करोड़ रुपए ये 2019-20 में बजट में रहा था, उसके बाद संशोधित अनुमान कितना रहा था 12,745 करोड़ रुपए, अभी जो नया बजट आया हुआ है 2020-21 का इसमें है 14,473 करोड़ रुपए। जिम्मेदार समाज की बात अगर करें तो इसमें 2019-20 में 59,036 करोड़ रुपए, संशोधित आंकड़े अनुमान 2019-20 का 54,831 करोड़ रुपए, और अभी 2020-21 के बजट में रखा गया है 62,626 करोड़ रुपए ठीक है। इसमें आप बात करें महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण की तो 50,850 करोड़ रुपए रहा था 19-20 बजट में, संशोधित रहा था 48,210, और अभी की बात करें 21-20-21 की तो 53,876 रखा गया है। संस्कृति एवं पर्यटन तो इसमें 5,232 करोड़ रुपए था 2019-20 में, संशोधित रहे थे 3,963 करोड़ रुपए, अभी 5,650 करोड़ रुपए रखा गया है 2020-21 में। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इसमें 2019-20 में बजट में 2,955 रहा था यानी कि 2,950 करोड़ रुपए, संशोधित कितने रहे थे 2,658 करोड़ रुपए।
अभी कितना रखा गया है, 31,000, 3100, कितना, 3,100 करोड़ रुपए, ठीक है, 2021 में। वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें रखा गया है 2019-20 में रहा था बजट में कितना अनुमान, 19,002 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद संशोधित आंकड़े आए थे उसमें 23,686 करोड़ रुपए। अभी जो नया बजट आया हुआ है आपका 2021 के लिए, इसमें 40,433 करोड़ रुपए रखा गया है। और याद रखिए इसमें बैंकिंग, बीमा, वित्तीय बाजार और अवसंरचना वित्त को शामिल किया जाता है, ठीक है, तो ये बराबर रहेगा, एक ही क्षेत्र है इसमें। तो मुझे लगता है कि इतने ही आंकड़े आपके लिए काफी है, इतना आपका जो भी आर्थिक बजट है जो आपका, इन्हीं में से पूछा जाएगा बहुत से बहुत आपका क्वेश्चंस, ठीक है, केंद्रीय बजट 2020-21 के लिए। याद रखिए आप क्या किया करिएगा कि हर साल का बजट आप लोग जिस समय आता है उस समय पढ़ लिया करिएगा अच्छे से, और उस समय से मुझे लगता है कि जिस दिन आता है उस दो चार बार आप लोग पढ़ेंगे आराम से आपको आंकड़े रट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा के बारे में 2019-20, ये पुराने साल की है, ठीक है, बजट आप जानते हैं नए साल का आता है क्योंकि छोटी छोटी क्लास में रखी जा रही है, अभी बाद में क्या करेंगे मर्ज कर देंगे सबको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए।